हमारा शो बहुत अच्छा करेगा, नंबर 1 शो बनेगा जैसे 14 साल से बनता है। तो नर्वस एंड कॉन्फिडेंस के साथ हम परफॉर्म करते हैं हर रोज़। मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ, मेरा इंस्टा भर जाता है। एवरी टाइम आई ओपन माई इंस्टाग्राम, देयर क्रेजी फॉलोअर्स आर कमिंग, क्रेजी डीएम्स आर कमिंग। भाई सबसे पहले तो आप है ना, आपका आईडी था ही, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ वहाँ मुझे हर बार बुलाते थे, मैं आता नहीं था। तो मैं पहली बार आया हूँ मेरे ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, बिकॉज हर्षद एंड प्रणाली आर परफॉर्मिंग एंड दे परफॉर्म सो गुड ना, एंड दे वर लुकिंग सो फैब। बुलाते थे और आप क्यों नहीं आते थे पहले ही बताइए। शूटिंग भी होता था यार, 10 बजे वहाँ से पैकअप हो रहा है, मैं कैसे पहुँच जाऊँगा यहाँ पे रेडी होके। अभी भी बहुत आज हमारी 7 की शिफ्ट रखी थी स्पेशली कि सारे आर्टिस्ट ITA पहुँच सकें, विच इज़ रियली गुड थिंग। तो हमने 7 बजे पैकअप किया, उसके बाद सभी लोग यहाँ पर पहुँचे, आधे चले गए हैं शायद, आई डोंट नो मे बी। आप क्या कहना चाहेंगे? ओब्वियसली ये मेरा फर्स्ट अवार्ड फंक्शन है, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर इट एंड आई जस्ट लव्ड इट। आई मीन हर्षद और प्रणाली ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस किया है, वी लव्ड इट। आपकी मुलाकात हुई इन दोनों से? अंदर कोई बातचीत नहीं, अंदर बहुत रश है। हम बिकॉज हम तो ऑडियंस में बैठे हैं, सामने बैठे हैं। दे आर लाइक 2 स्टेप्स अवे बट दे परफॉर्मिंग ना। व्हेन समबडी इज परफॉर्मिंग तो डिस्टर्ब नहीं करते, उनको कॉन्सेंट्रेट करने देते हैं। मेरा बर्थडे यार, ये वाला बर्थडे तो मतलब धमाल था। इस साल मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट मिला, मुझे ये शो मिला, ये साल मेरा बहुत अच्छा गया और इंशाल्लाह अगला साल भी बहुत अच्छा जाएगा। हमारा शो बहुत अच्छा करेगा, नंबर 1 शो बनेगा जैसे 14 साल से बनता है। प्रेशर स्टार्टिंग में थोड़ा फील होता था बिकॉज यू नीड टू बी, कभी कभी आपको नर्वस होना भी ज़रूरी है। नर्वस और कॉन्फिडेंस जब दोनों चीज़ें मिक्सचर आती हैं तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा निकलता है। तो नर्वस एंड कॉन्फिडेंस के साथ हम परफॉर्म करते हैं हर रोज़ और बहुत अच्छा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? सेम प्रेशर तो हर काम में होता है, सो ऑब्वियसली वी हैव दैट प्रेशर ऑन अस बट देन वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट। सो होपफुली एक दिन ये नंबर 1 शो होगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। मानते हैं कि मतलब शो को बहुत जल्दी लोगों ने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। एग्जैक्टली, अरमान के फैंस भी हो गए हैं उनके कमेंट्स पर, जो अरमान या जो होता रहता है वो आपके पास मैसेजेस आपको मिलते ही होंगे, उस पर क्या कहना है आपका? उस पर ये कहना कि दे लविंग सो मच आफ्टर माय बर्थडे, लाइक पीपल स्टार्टेड लाइक क्रेजी लाइक रिस्पॉन्स। मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ, मेरा इंस्टा भर जाता है। एवरी टाइम आई ओपन माई इंस्टाग्राम, देयर क्रेजी फॉलोअर्स आर कमिंग, क्रेजी डीएम्स आर कमिंग, एवरीथिंग इज़ गुड। तो हर रोज़ की क्लिप वो टैग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वेरी नाइस। बहुत सारे लोग प्यार करते हैं उन फैंस से, चाहने वालों से, जो भी आप जो भी आप मैसेज देना चाहेंगे। चाहते यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम बहुत मेहनत करते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। हमारे पीछे एक्टर्स ही नहीं, हमारे पीछे डायरेक्शन टीम है, एक राइटर्स की टीम है, एक प्रोड्यूसर्स की टीम है, जो कि करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके ये इतना बड़ा कंटेंट बनाते हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो प्लीज़ देखें, ज़रूर टीवी पे देखें ताकि हमारी TRP राइज कर सके और हम आपको एंटरटेन तो करते रहेंगे जब तक है जान। प्लीज़ कीप लविंग अस गाइज, वी आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एंड ट्रस्ट मी एक दिन आप जैसे अपने पहले वाले लोगों को एक्सेप्ट किया था, एक दिन हमें भी एक्सेप्ट कर लेंगे बिकॉज वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट। कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है यार। सो कीप लविंग अस। थैंक यू भाई, थैंक यू।